So guys, आज हम लोग GTA 5 में देखने वाले कि तब क्या हुआ जब थॉर एक मामूली इंसान बन गया और उसका एवेंजर्स टीम से निकाल दिया, तो क्या थॉर को अपनी पावर वापस मिला और वो फिर से बन पाया गॉड थॉर। अरे वाह टोनी, तुम तो कमाल के हो, तुम्हारा ये नया फ्लैट हमको बहुत अच्छा लगा। अरे पूर्वक चोर ना, तुम लोग मेरा दोस्त हो, मेरा चीज बोलो तो तुम लोगों का चीज, तुम लोग कभी उतना ही हक है जितना मेरा है, समझ रहे हो तुम लोग। हल को ये सब समझ में नहीं आता, लेकिन हल को ये काफी बहुत अच्छा लग रहा है, हल को और चाहिए। अरे पूर्वक इसमें कौन सी बड़ी बात है, ले लो जितना ले लो, अनलिमिटेड है तुम्हारे लिए, समझ रहे हो तुम। अरे बाबा अगर ऐसी बात है तो हमको और एक ड्रिंक चाहिए, जल्दी दो। अरे दोस्तों कैसे हो तुम लोग, लगता है तुम लोगों ने मेरे को छोड़ के पार्टी करना शुरू कर दिया है। अरे बाबा लो आ गया फालतू का आदमी जिसके पास कोई पावर नहीं है। अरे बुर्बक बस मुझे एक बार आने दो, देख उसके कैसे लेता हूँ मैं, आ जा। अरे दोस्तों ये सब चल क्या रहा है, मेरे को छोड़ के तुम लोगों ने पार्टी करना कैसे शुरू कर दिया, और मेरे को भी तो बताओ तुम लोगों के बीच में क्या बातें चल रही है। हल्क से कोई बात नहीं करना जिसके पास कोई पावर नहीं है, हल्क कमजोर इंसान से बात नहीं करता। हल्क तेरी ये कहने का मतलब क्या है, मैं समझा नहीं, मतलब मेरे पास अभी पावर नहीं है तो मेरे को बोल रहा है कि मैं बिन पावर का कमजोर इंसान हूँ। अरे बाबा जब इतना समझदार हो और सब समझ में आ रहा है तो हमारे साथ क्यों रह रहे हो। अरे बुर्बक तुझे नहीं पता क्या, इसका शर्म बरम कुछ नहीं आती है, फिर फालतू का खाना आता है और बदतमीजी करना आता है, इसलिए तो इसका पावर छीन लिया इसके पापा ने। ओहो अच्छा अच्छा, तो ऐसी बात है, बिन पावर के मैं एवेंजर्स नहीं बन सकता, वाह 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 बहुत अच्छी बात है, दिखा दिया तुम लोगों ने कैसे दोस्तों तुम लोग। हल्को कमजोर इंसान से नफरत होता है, अगली बार तुम हमारे सामने आओगे तो मैं तुम्हारी कचुम्बर बना दूंगा। अरे वाह यार वाह, दिखा दिया तुम लोगों ने कैसे दोस्तों, वाह वाह वाह। अरे वाह वाह अच्छा हुआ कि अपने आप चला गया, वरना मैं इसको टेलीपोर्ट करके दूसरे दुनिया में भेज देता। अरे यार ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है मुझे यार, बिन पावर के मेरे दोस्त मेरे को भाव नहीं दे रहे, लोग मेरे को भाव नहीं दे रहे, मैं क्या करूँ इस दुनिया में। मैं इनसे प्यार करता हूँ, मैं इनके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तो कोई मेरे को जानता भी नहीं है। अबे चल चल देख के चल, वरना तेरे को मार दूंगा। देखा यार कैसे कैसे भाई, मामूली लोग भी अब मेरे को भाव नहीं दे रहे यार। अरे मम्मी वो देखो सुपर हीरो जा रहा है, ये तो थॉर है ना। अरे नहीं बेटा ये थॉर वॉर कोई नहीं है, इसके पास तो कोई पावर नहीं है, इसको तो कोई भी सुपर हीरो नहीं मानता बेटा। अरे यार एटलीस्ट बच्चों को तो ये मत बताओ यार, देखा गाइस कैसे कैसे लोग रहते यार, मैंने ही शायद इन लोगों को बचाया था अगली बार यार, और आज यही लोग मेरे बारे में बुरे बातें कर रहे, भाई कैसे लोग रहते, बदलने में टाइम ही नहीं लगता यार। 6 months later. So, बहुत मेहनत करने के बाद हम आखिरकार ऊपर आ ही गए। अभी तुम लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं ऊपर क्या करने आया हूँ। देखो गाइस मैं तुम लोग एक बात सब सब बता देता हूँ, मैं और नहीं रह पा रहा हूँ यार, ये ताकत के बिना हर कोई मेरे से बदतमीजी कर रहा है, बच्चे बच्चे मेरे को बोल रहे कि तेरे पास ताकत था तू बदतमीजी करता था इसलिए तेरे पापा ने तेरे पास ताकत छीन लिया, भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। और इसीलिए मैंने आज ठीक किया है कि मैं मेज बैंक बिल्डिंग के ऊपर से कूद के जान देने वाला हूँ, क्योंकि मैं पहले गॉड था और इसीलिए मैं अमर था, लेकिन अभी मैं एक मामूली सी इंसान हूँ तो मैं मर सकता हूँ यार। रुक जाओ थॉर, ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये क्या पापा आप यहाँ पर, मैं कैसे नहीं आता बच्चे, जब मेरा बच्चा मरने चला है तब मुझे तो आना ही था। लेकिन आपको तो पता ही है ना कि मेरी मरने का कारण भी आप ही हो। मैं तुम्हारी मरने का कारण नहीं हूँ, तुम खुद तुम्हारे मरने का कारण हो, मैंने तुमसे कोई ताकत नहीं छीना क्योंकि ये मैं कभी कर ही नहीं सकता, तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो सिर्फ तुम्हारा है। अब इसका क्या मतलब है कि आपने मेरी ताकत नहीं सुना, तो फिर मैं अपनी ताकत यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम्हें अपनी ताकत फिर से चाहिए तो फिर अच्छा काम करो, अपनी ताकत को अच्छे काम पे लगाओ। अरे अच्छे काम पे मतलब, अरे कहाँ चले गए आप पापा जी, अरे बता के तो जाते अच्छा काम का मतलब, अरे मैं तो अच्छा काम ही करता हूँ, पता नहीं यार ये कहाँ से आते कहाँ से जाते हमको पता नहीं चलता यार। लेकिन गाइस एक बात तो है कि हमको कुछ ना कुछ तो पता चला है कि हमारा ताकत हमारे अंदर ही है, लेकिन हमको उसको वापस लाना पड़ेगा कुछ अच्छा काम करके, तो अभी लगता है टाइम आ चुका है कि थॉर को वापस ला जाए। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि थॉर वापस आ जाए तो एक काम करो, वीडियो को फटाफट से एक लाइक करो और चलो देखते हैं क्या होता है। अरे यार पापा जी ने बोल तो दिया कि अच्छा काम करो और अपनी पावर वापस लेके आओ, लेकिन हम ऐसा कौन सा अच्छा काम करेंगे जिससे हमें पावर वापस मिलेगा। एक मिनट रुक जाओ गाइस, सारे लोग यहाँ से उधर तक पार हो, लेकिन इस अंकल जी को देखो यहाँ से वापस जा ही नहीं रहे, लगता है कि इनको जाने में दिक्कत हो रही है। गाइस हम एक काम करते, इस बुढ़े अंकल जी को इस तरफ से उस तरफ लेके चलते हैं, तभी तो अच्छा काम हो जाएगा ना। चलो अंकल जी आप टेंशन मत लो, मैं आपको उस तरफ लेके जाऊंगा। अरे बेटा रुक जाओ क्या कर रहे हो तुम, रुक जाओ। अरे अंकल जी टेंशन क्या ले, तो मैं उस साथ तो डैडी के आए बात में आपको उस तरफ लेके
लेके जाऊंगा। अब कब से खड़े हुए तो मैं देख रहा था। अरे बेटा जरा ये बेटा रुक जाओ। अरे अरे रुको तो सही, मैं बोल रहा हूँ रुक जाओ। अरे अंकल जी टेंशन मतलब लोग पहुंच भी चुके। ये लो अंकल जी मैं अभी रुक गया और आपको इस तरह भी लेके आ गया। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो बदतमीज साथ में, मैं तुम्हें कब से रोकने के लिए बोल रहा था, तुम रुका क्यों नहीं? अरे अंकल जी आप क्या बोल रहे हो, एक तो मैं आपको मदद कर रहा हूँ ऊपर से बदतमीज साथ भी बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, पूरा 2 घंटे तक मैं इधर खड़े रह के उस तरफ गया था, तुम मुझे फिर से इस तरफ लेके आ गए। हाँ क्या आपका कहने का मतलब है कि आपको इस तरफ नहीं उस तरफ ही जाना था? अरे और नहीं तो क्या, रुको मैं अबे तुम्हें दिखाता हूँ। अरे रे रे गलती हो गई, भाग बेटा थोर बचना चाहता है तो पहली अच्छे काम में ही मैंने गलती कर दिया यार। अरे देखो मैडम जी तुम्हारे पास जो है ना वो हमको बहुत पसंद है, तो चाहे जो भी हो जाए हमको तो वो लेना ही पड़ेगा तुमसे। अरे तुम कहने के जाते हो, तुमको क्या चाहिए मुझसे? अरे मैडम जी डरने की कोई बात तो यही आपको नहीं मांग रहा है, आपके पास जो कैमरा ही नहीं मांग रही, जल्दी जल्दी दे दो तो आपको छोड़ देगा। क्या क्या कहा तुमने, मेरे कैमरा में मेरी कैमरा तुमको नहीं दे सकता, ये मेरे पापा ने मेरे को गिफ्ट किया था, कभी नहीं दे सकता मैं तुमको। अरे वो चौकड़ी हमको यहाँ पर मुजरा करने वाले लगता है, तो नहीं देगा तुम छीन लेंगे। तो गाइस यार मुझे कोई बताया कि अच्छा काम करना इतना मुश्किल क्यों है यार, कब से ढूंढ रहे हो कोई अच्छा काम, कोई अच्छा काम यार मिल ही नहीं रहा यार, कोई तो मुसीबत में पड़ो जिसको मैं मदद कर सकूं यार, क्या यहाँ पर कोई नहीं जो मुसीबत में पड़ा हुआ है? ओ एक मिनट रुक जाओ, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, एक लड़की बीच में और सारे लड़के साइड में, मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। गाइस तुम लोगों को क्या लगता है हम लोग को यहाँ पर जाना चाहिए? चलो जो होगा देखा जाएगा, पहले जाके देखते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग इस लड़की को परेशान कर रहे हो? कौन है जो हमारा सब बात करने की हिम्मत रखता है? अबे चिकना तेरे के बाद मरने का जल्दी है क्या? यहाँ पर जो भी हो रहा है मेरे मर्जी का हो रहा है, तू कुछ नहीं कर सकता, चल चला जा अगर जान प्यार है तो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे बताओगे और मैं चला जाऊंगा? वो लगता है तुम हार खाए बिना जाएगा नहीं है, हमसे बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी सुपर हीरो बन रहा था तू। हाँ हाँ तो मैडम जी मैं जो बोल रहा था, देखा ना आपकी वजह से एक आदमी को मारना पड़ा मुझे, अब जल्दी से कैमरा दे दो वरना। ओए जरा एक मिनट रुक जा, मैं सुपर हीरो बनने नहीं आया हूँ, मैं हूँ सुपर हीरो। वो यार गाइस मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, मेरी पावर मेरे को फिर से वापस मिल गया, वो अब ये हुई ना बात। लेकिन यार ये बहुत ही बुरी बात है यार, मेरे को मोटा थोर क्यों बना दिया, मेरे को वो स्लिम, मेरे को सिक्स पैक वाला बॉडी वापस चाहिए यार, ये बिल्कुल भी सही नहीं है यार। अरे ये कैसा जादू डोना है, तू चिकने से मोटा कैसे बन गया, तेरे मुंह में दाढ़ी नहीं था, इतना सारा दाढ़ी मूंछ कहां से आ गया? अरे ये क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तेरी तो तेरे को समझ में नहीं, एक बार मैं बोलूं तेरे को समझ में नहीं। अरे मोटे अंकल हट जा मेरे सामने से, मारना जा रहा इसको, तेरे तो अभी दिखाता हूँ तेरे को। अरे नहीं 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 इस बार नहीं, क्योंकि इस बार मेरे पास मेरी पावर है, ये ले अभी तो मैं तुझे मारूंगा ये ले। अबे कहाँ भाग रहे हो तुम लोग, अपनी बॉस को छोड़ के ऐसे कैसे भाग सकते हो तुम लोग? हाँ तुझे क्या लगता है तुम उससे भाग सकता है? हाँ ये ले। हाँ क्या तुझे ये नहीं पता कि तूफान से कोई भाग नहीं सकता? हाँ अरे भैया जब का बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी होते तो मेरे को कोई नहीं बचा सकता इनके हाथों से। अरे नहीं नहीं मैडम जी आप मेरे को क्यों थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए क्योंकि आपकी वजह से शायद मुझे मेरा पावर वापस मिल गया, क्योंकि आपका मदद करके मैंने एक अच्छा काम कर दिया। तो अभी हम चलते मैडम जी, बाद में आपसे कभी मिलेंगे ठीक है ना। 2 hours later यार गाइस हम लोगों को हमारी पावर तो मिल गई और हम फिर से थॉर तो बन गए, लेकिन हम इतने मोटे क्यों हुए? मुझे लगता है गाइस हम लोगों को हमारी फेर से पुराने वाला मस्कुलर सिक्स पैक बॉडी को वापस करने के लिए थोड़ा सा और अच्छा काम करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, चलो फटाफट थोड़े से बुरे लोगों को ढूंढते और उनको मार के थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं। ओ मैडम जी एक मिनट रुक जाओ, मैंने सुना है कि इंग्लिश में बात करने से इंप्रेशन ज्यादा होता है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैडम जी हाउ कैन आई हेल्प यू ब्लडी इडियट, तुम मेरी मदद करोगे? खुद को देखो पहले, तुम खुद की मदद करो, तुम क्या मेरी मदद करोगे? वो हेलो मैडम जी आपको नहीं पता क्या मैं कौन हूँ, मेरे अंदर बहुत पावर है। हमको तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, हम खुद की मदद खुद कर सकते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते। अबे यार उस मैडम जी का प्रॉब्लम क्या था यार, मैं तो थोड़ा सा हेल्प करने आया था, कितनी ज्यादा मुश्किल है इस सिटी में अच्छा काम करना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और ढूंढते और देख किसी को सचमुच मदद चाहिए होगा तो कर देंगे। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ चले जाओ, गोली चला दूंगा मैं। अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम हमें इस गन से मार सकते हो? कैसे नहीं मार सकता, मैंने अच्छा अच्छा को इस गन से सबक सिखा दिया, तू क्या चीज है? तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं देवता हूँ, मैं तुम लोगों को बनाने वाला हूँ, और तुम लोगों को लगता है तुम मुझे गन से मार सकते हो, ये लो ये भी लो ये लो, और इसी के साथ तुम्हारा खेल खत्म। हमारे आगे गन थकने से पहले आपको 500 बार सोचना चाहिए कि हम कौन है। चलो चलो डिस्टर रबर, जल्दी जल्दी सारे के सारे पैसे की थैली उठाकर ट्रंक में डालो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बस अब बहुत हो चुका लूँ कि तुझे छोड़ूंगा नहीं, अबे मेरे उड़ने का तकत चला गया, अबे मैं नहीं नहीं। ओ यार सारी कवर वबर तोड़ दिया यार, ये क्या हो रहा है हमारी पावर के साथ, कभी आता है कभी जाता है। हाँ तो मैं जो बोल रहा था लोकी, पैसे तो ले लिया लेकिन तू यहाँ से पैसे लेके भाग नहीं पाएगा।
देखो तो कौन आया, मेरे मोटे भैया थोर। आपको नहीं पता कि आप मेरे से जीत नहीं सकते, आपके पास तो पावर ही नहीं है। फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन लोकी, मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मेरे पास मेरी पावर फिर से वापस आ गया है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम ऊपर से गिरे क्यों, क्यों नहीं आए? हीरो वाली एंट्री कहा गया तुम्हारी? अरे वो तो बस मैं बहुत दिन से उड़ा ली तो मेरे को उड़ना नहीं आ रहा है, बट यार मेरे पास ताकत है, मेरे पास स्ट्रेंथ है, उस समय तेरे को रोक लूंगा। तुझे क्या लगता है तू मुझे जीत सकता है? तुम्हें किसने बोला कि मैं तुमसे लड़ूंगा? तुमसे तो लड़ेगा डिस्ट्रॉयर रोबोट। अरे क्या कर रहे तू यहाँ पर, उसको मारना जाके। लोकी, तुम्हें ये देख के बहुत ही बुरा लगेगा कि मैं तुम्हारी डिस्ट्रॉयर रोबोट को एक मुक्की में चकनाचूर कर दूंगा। ये लो। अबे ये कैसे हो गया, इसको कुछ कैसे नहीं हुआ? अबे ऐसा कैसे हो गया, मैंने इसको मेरी पूरी ताकत से मारा था फिर भी इसको कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा हिला भी नहीं। तेरी तो ये ले, ओ हिल भी नहीं रहा है भाई, ये कैसा डिस्ट्रॉयर रोबोट है भाई? आप शायद भूल रहे हो कि ये आपका डिस्ट्रॉयर रोबोट नहीं, मेरा डिस्ट्रॉयर रोबोट है, और अभी हमारा बारी है आपको मारने का। शायद तुम भूल चुके हो लोकी, हम भी गॉड है, हमको भी कुछ नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है डिस्ट्रॉयर रोबोट, तुम मुझे दो घुसा क्या मार दोगे? मर जाऊंगा मैं। तुम मुझसे नहीं जीत सकते बड़े भैया, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। आपके पास तो अभी खुद का पावर भी नहीं है, आप तो खुद के ऊपर विश्वास भी नहीं है, आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे बड़े भैया। क्या यार बड़े भैया, आपने हमको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। कहा हमने सोचा था कि आप 5-10 मिनट तक फाइट कर लोगे, लेकिन अब तो दो ही मुक्के में निपट गए हो। चलो डिस्ट्रॉयर रोबोट, हम लोग हमारी काम करते हैं, पैसे ले गए यहाँ से भागते। एक मिनट रुक जाओ लोकी भैया, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे नहीं, ये कैसे कर दिया तूने? अरे यार अचानक तेरे को ये क्या हो गया, इतनी पावर कहाँ से आ गई तेरे अंदर? वो तेरी भाई साहब, ये मैं क्या बन गया? वो ऐसे सूट तो मेरे पास पहले भी नहीं था, वो क्या बन गया हूँ? गाइस देखो, इसको पूरा का पूरा गोल्डन का सूट है, और ये देखने में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रॉयर की तरह है। डिस्ट्रॉयर बेटा, अब तो तू गया मेरे हाथ से, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा, तेरी तो छोड़ूंगा नहीं तेरे को। तुमने क्या सोचा, मेरे डिस्ट्रॉयर रोबोट को तो मैं कुछ में मार दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मेरे बड़े भैया। अरे यार लोकी भैया, आप कितनी ज्यादा फालतू बातें करते हो, अभी टाइम आ चुका है कि आप और आपके डिस्ट्रॉयर रोबोट यहाँ से उड़ जाओ। चलो एक काम करो, फटाफट यहाँ से उड़ो, और साथ में अपनी पैसे, कार और अपनी डिस्ट्रॉयर रोबोट को लेना मत भूलना। अरे भैया कहाँ चले गए, अपने डिस्ट्रॉयर रोबोट को तो लेके जाओ। क्या यार वरे भैया, आप बिना अपने डिस्ट्रॉयर रोबोट को यहीं पर छोड़ के चले गए, कैसे कैसे मालिक रहते, अपनी चीजों को भी संभाल के नहीं रख पाते। वैसे गाइस ये होता है ना असली पावर, और अभी हम बन चुके गॉड थॉर। लेकिन ये पावर मिलने के साथ साथ हम ये बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि हमको अच्छा काम करते रहना है, और चलो देखते हैं कि और किसको मदद चाहिए, और उसकी मदद करके थोड़ा सा और अच्छा काम करते। अरे यार भैया, आप यहाँ पर उदास होकर क्यों बैठे हुए, आपको कुछ परेशानी है तो मेरे को बता सकते हो, मैं हर किसी का परेशानी का हल करता हूँ। अरे भैया अब हम आपको क्या बताएं, हम एक होमलेस गाय, हमारे पास पैसा नहीं है, आपके पास बहुत गोल्ड दिख रहा है, आपके शरीर से गोल्ड का कॉइन खोल कर दे ना मेरे को, मेरा सारी जिंदगी कट जाएगा, सोया सोया दे दो भैया, प्लीज दे दो मेरे को। वो हो लालची आदमी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम थॉर से थॉर की सूट का थोड़ा सा गोल्ड मांगो? अरे भैया क्या बात करते हो, थोड़ा सा गोल्ड देने सबका क्या चला जाता, इस गरीब का भला नहीं हो जाता क्या? तुम इसी के भी हाथ होता है, ऐसी बात बोल के तू कहाँ भाग रहा है, तेरे को लगता है तू थॉर से बच सकता है? अरे भैया हम भी बॉक्सर है, हमको छोड़ेंगे ना, ऐसा मारेंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। हमसे पंगा लेने से पहले सब लोग डरते हो, और तुम हमसे बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत है, इतनी हिम्मत, तुमको इतना मारेंगे हम, इतना मारेंगे तुम सोच भी नहीं सकते, हाँ सोच भी नहीं सकते। अब बताओ बताओ, कभी और किसी के साथ बदतमीजी करोगे तुम? हाँ गोल्ड मांगते बदतमीज लोग कहीं के, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। 4-6 weeks later. So guys, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे पता चला कि कहीं पर गुंडों लोगों ने रस्ते पर गोलीबारी शुरू कर दिया, और गाइस मैं बस वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ, और ये पहुँच भी चुका हूँ। बस देखो मैं इन लोगों का क्या करता हूँ। तुम लोग इतनी हिम्मत को मेरे सिटी में रहते हुए तुम लोग ऐसी गुंडागर्दी करते हो, और मेरे सामने पुलिस को मारते हो, तुम्हारी इतनी मर्जी लो। ओ यार गाइस, क्या तुम लोगों ने देखा, इनके पास मशीन गन और शॉर्ट गन कितने सारे गन है, लेकिन इन लोगों को लगता है कि ये लोग मुझे मार सकते हैं। सीरियसली देखता तुझे क्यों, कैसे नहीं मरता? अबे वो बुड्ढे अंकल, मरने का उम्र है, मर जाओ, घर जाओ, बैठ कर टीवी भी देखो। ये गुंडागर्दी पे क्यों उतर गए, वहाँ बाल एक भी नहीं है सर पे, ऊपर से आ गए गुंडागर्दी करने, वो भी मेरे साथ। हाँ सो गाइस, अभी तक तो मैं बस वार्म अप कर रहा था, लेकिन अभी टाइम आ चुका है कि इन लोगों को मेरी रियल ताकत दिखाओ। और ये लो, अभी बताओ कैसा लगा तुम लोगों को, एक झटके में तुम लोगों को मारने की ताकत मेरे अंदर है, और पता नहीं तुम लोग मेरे साथ क्यों फाइट करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। यार हार मान लो ना, बार बार क्यों अपनी गोली वेस्ट करो, क्योंकि तुम्हारी गोली से मुझे कुछ हो भी नहीं रहा है, सबको मार दिया। अच्छा तू जिंदा है, काम करता हूँ तेरे को मैं, मेरी हथौड़े की बार दिखाता हूँ। और ये ले, ओ भाई साहब हथौड़े के साथ इसको भी उड़ा डाला, भाई क्या मारा मैंने इसको। मैं इसको थोड़ा सा और मारना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। और तेरी तो ये ले, अब बता कैसा लगा तेरे को। हाँ मजा आया ना तेरे को, एक और हथौड़ी की बार मैं तेरे को मारना चाहता हूँ, और ये मैं हाथ से मारूंगा, ये ले।
और ये विले। हाँ, मुझे लगता है कि अब ये खत्म हो चुका है, बहुत मार लिया आज के लिए, इतना अच्छा काम काफी था भाई। देखो यार गाइस, मैंने बहुत ज्यादा अच्छा काम कर लिया यार, कितने सारे अच्छा काम किया, मैं एक साधारण इंसान बन गया था और मैंने अच्छा काम करते 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 से एक बार गॉड थॉर बन गया, वो भी बेहतर गॉड थॉर। तो गाइस एक काम करो, तुम लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे हो, तो एक काम करो, लाइक करो और कॉमेंट करो। और अभी मैं पूरा दिन फाइट करके थक चुका हूँ, चलो घर चलते हैं। बाबा आ गया, हमारा आज का सुपर हीरो आ गया, देखो तो। हल्का बहुत खुश है क्योंकि हल्का दोस्त घर आ गया। हे दोस्तों, आई एम रियली सॉरी कि मुझे यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन टेंशन मत करो, मैं चला जाऊंगा, मेरी कुछ चीजें यहाँ पर मैं लेके चला जाऊंगा यहाँ से। अरे पुरबक, तुमको यहाँ से जाने की क्या जरूरत है, ये कर तो तुम्हारा ये अवेंजर्स लोग का है, तुम भी तो अवेंजर्स ही हो ना। नहीं टोनी भाई, शायद आपको कुछ गलत फहमी हो रहा है, आपने तो मेरे को अवेंजर्स से निकाल दिया ना, मेरे पास तो कोई ताकत पावर कुछ भी नहीं है ना। अरे बाबा, हम तो बस मजाक कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, तुम लोग मजाक कर रहे थे, लेकिन मेरे को बहुत बुरा लगा कि मेरे दोस्तों ने मेरे को तब साथ नहीं दिया जब मेरे पास पावर नहीं था, तो इसलिए मैं तुम लोग के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। अरे बाबा, ये तो गुस्सा करके चला गया, ये सब कुछ तुम्हारा गलती है आयरन मैन। अरे बुरबक, हमने कैसा गलती हो गया, भविष्यवाणी तो तुमने किया था कि उसको दुख दोगे तो वो अपनी पावर वापस लेके आएगा, हाँ तुम्हारी वजह से हमने किया, अभी वो गलत सोच रहा है कि हम लोगों ने उसको जानबूझकर बुरा बोला। हाँ हे दोस्तों, एक्चुअली मैं मजाक कर रहा था, मुझे पता है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते यार, मेरे को माफ कर देना कि मैं तुम लोग को डरा दिया यार, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ यार, मैं यहीं पर रह रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं एवेंजर्स का हिस्सा हूँ यार। हल को बहुत खुशी हुई कि तुम समझ गए कि हल तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं कर रहा था। अरे हाँ यार हल्क, हाँ मुझे पता है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम लोग तो मेरी अच्छा ही चाहते हो ना। सो गाइस, आई नो कि तुम लोग भी मेरी अच्छा चाहते हो, एक काम करो, सब्सक्राइब बटन लाल दिख रहा है तो उसको दबा दो, और कमेंट में बताना कि तुम लोगों को मेरी ये न्यू आउटफिट मतलब कि थॉर का गॉड लुक कैसा लगा है, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो मर्जी वो कर दो। तो आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।